ये देखो, ये हमारे पास बेटे एग्जाम्पल नंबर 15 है ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट बेटे, बोथ आर टोटली सेम। आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो दूसरा बेटे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो जरा, कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? सेम आपको नजर आ रहा होगा। एक मिनट रुको, मैं और देखता हूँ दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड। कभी कभी ये क्वेश्चन बेटे इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। मैं भी आपको ये लिख के दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन बच्चे इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। ये तीनों क्वेश्चन सेम होगा। एक और देखते हैं, फिर मिल गया था, बस फिलहाल यही दिया हुआ। चलिए देखिए जरा, एग्जाम्पल 15 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 इन योर एनसीईआरटी लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट, एंड दिस वन क्वेश्चन नंबर 45 इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम योर असाइनमेंट। ये क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन समझेंगे देन सॉल्यूशन। तो मैं एग्जाम्पल 15 की बात कर रहा हूँ। हमारे पास क्या है बेटे, एग्जाम्पल 15 इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, एंड बेटा जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन बाय सेक थीटा माइनस टेन। अब सबसे पहले तो बेटे आप क्वेश्चन ही समझिए कि आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है, ठीक है बेटे, बट राइट हैंड साइड हमसे ये प्रूफ करा सकता है जो एग्जाम्पल में दिया है। बट प्लीज नोट डाउन अनदर राइट हैंड साइड फॉर द सेम क्वेश्चन, आपसे ये भी कह सकता है बेटे, प्रूव दैट sec थीटा प्लस टेन थीटा। फॉर द सेम क्वेश्चन हमसे ये भी कह सकता था बेटे कि ये प्रूव करिए, और नोट करिए हमसे ये भी कह सकता है बेटे कि नहीं आप ये प्रूव करिए वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और नोट करिए बेटे, हमसे ये भी कह सकता है कि नहीं प्रूव करिए कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। तो मेरे बच्चे फॉर द सेम क्वेश्चन देयर मे बी फोर राइट हैंड साइड, फोर ऑप्शंस। तो ये प्लीज आप बच्चे नोट कर लीजिए, चाहे अपनी बुक पे ही लिख लीजिए एक्स्ट्रा या अपनी नोटबुक में इसको मेंशन कर लीजिए कि फॉर द सेम क्वेश्चन हमारे पास फोर राइट हैंड साइड पॉसिबल्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लीजिए। अब जरा मैं जो हमारे पास है मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वन से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फर्स्ट वन, मेरी तौबा, थोड़ा सा लॉजिकल करेंगे कि हम राइट हैंड साइड देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। जी बेटे आपके पास क्या है बेटे, आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। बच्चे राइट हैंड साइड देखिए, दो बस दो चीजें इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। राइट हैंड साइड में देखिए बेटे, मुझे राइट हैंड साइड में सेक थीटा चाहिए और टेन थीटा चाहिए,
अभी तक हम क्या करते आए थे, हम ये करते आए थे अगर आपको साइन और कॉस के अलावा कुछ भी टर्म दिया होता। बेटे थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए इस क्वेश्चन में, दो स्टेप करने फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर बाकी स्टेप आप कर लेंगे। अभी तक हम क्या करते आए थे, अगर आपको sec और tan दिया होता था तो हम उसको साइन कॉस में चेंज करते थे, बट यहाँ रिवर्स करिए। वी हैव गिवन साइन एंड कॉस बट इन राइट हैंड साइड वी नीड sec एंड tan। कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज sec थीटा? सर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। यस दैट इज 1/cos। ये फर्स्ट स्टेप है आपके क्वेश्चन का बेटे, पहला पार्ट यही समझना है। एंड tan थीटा इज आल्सो बेटे साइन बाय कॉस। तो इन बोथ टर्म्स वी हैव कॉस थीटा एज डेनोमिनेटर। दोनों में ही बेटे अपॉन में कॉस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है मेरे बच्चे, हम इस लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ, टू चेंज ऑल द टर्म्स एज sec एंड tan। प्लीज क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए मेरे बच्चे। क्या कर रहा हूं मैं ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास बेटे था साइन बट मैंने डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से, हमारे पास था बेटे माइनस कॉस, अगेन बेटे मैंने डिवाइड किया कॉस थीटा से, मेरे पास है बेटे वन, मैंने डिवाइड किया कॉस थीटा से। दो स्टेप हैं बस, पहला स्टेप आपके क्वेश्चन का यही है कि आपको डिवाइड किससे करना है, आपको चाहिए क्या। एंड डेनोमिनेटर में मेरे पास क्या है बेटे साइन थीटा, तो आपने कॉस थीटा से डिवाइड किया, टू ईच एंड एवरी टर्म ऑफ न्यूमरेटर डेनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। सब बच्चों को ये समझ में आ गया क्या हमने क्या किया है? Yes, sir. ठीक है, आपके पास ये टर्म्स हैं साइन थीटा कॉस थीटा वन, आपने इन सबको कॉस थीटा से डिवाइड किया, सेम इन डेनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा वन, इनको भी चेंज किया। प्लीज जरा देखो आप बच्चे, साइन अपॉन कॉस बेटे क्या हो जाएगा? टेन थीटा। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। तो आपके पास आ जाएगा बेटे टेन थीटा। अच्छा प्लीज ध्यान से देखो, जो नेक्स्ट टर्म है बेटे कॉस अपॉन कॉस, ये क्या हो जाएगा बेटे? वन वन, बट इस वन को बेटे मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, नॉट इन द मिडिल। एंड व्हाट अबाउट वन बाय कॉस बेटे? sec थीटा। sec थीटा प्लस में है बेटे ये, तो इसको मैं बीच में लिख रहा हूँ, ऑर्डर मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अपॉन डेनोमिनेटर बताओ बेटे क्या आएगा? सब बच्चे बेटा थोड़ा सा चाहे गलत सही बट इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए। जी बेटे बहुत अच्छे बेटे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज दिस, चेंज द टर्म्स इन sec एंड tan। पहला पार्ट तो बेटे बस यही है आपके क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट क्या है वो है, बस दो ही पार्ट है, फिर उसके बाद तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब मेरे पास आ गया है बेटे tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। अब प्लीज जरा ध्यान से देखिए, जो हमें प्रूफ करना है मेरे बच्चे, ये देखिए बेटे एग्जाम्पल 515 जो है बेटे, उसमें अगर आप चेक करेंगे मुझे डेनोमिनेटर में चाहिए sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है बेटे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट देखेंगे तो बेटे मुझे न्यूमरेटर में चाहिए कॉसा के प्लस कॉटे अपॉन वन, नीचे वन चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि आपको डेनोमिनेटर में आंसर चाहिए या न्यूमरेटर में आंसर चाहिए, ये सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का। क्या फर्क पड़ेगा बेटे देखो, इधर जो हमारे पास आई है टर्म बेटे, हमारे पास जो आया है टर्म, हमारे पास आया बेटे टेन थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन, यहाँ बेटे ये वन है, और नीचे हमारे पास है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। बेटे अगर मुझे न्यूमरेटर चाहिए तो आपको न्यूमरेटर वाला वन चेंज करना है बच्चे, ये वाला वन कैसे चेंज करना है, आपको पता है बेटे tan थीटा sec थीटा और वन में एक रिलेशन होता है, क्या होता है बेटे, वन इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यस और नो? यस सर। बेटे वन का sec स्क्वायर का tan स्क्वायर का फॉर्मूला था, हमें मालूम है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा,
तो अगर टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो वन को चेंज करना है, बट कौन से वाले वन को चेंज करना है इट डिपेंड्स ऑन द राइट हैंड साइड, ये बस मेरा बच्चा ध्यान रखना है। दोबारा से समझ लीजिए इस क्वेश्चन, अभी हम करेंगे भी, दोबारा से समझ लीजिए। ये बेटे मैंने इस क्वेश्चन के चार वो लिखे हुए हैं ऑप्शन, अगर बेटे फर्स्ट वाला है हमारा ये, तो ये डेनोमिनेटर है मेरा बच्चा, अगर ये डेनोमिनेटर है तो इस नीचे वाले वन को चेंज करेंगे आफ्टर चेंजिंग साइन कॉस को टेन सेक में करके। लेकिन बेटे अगर मुझे न्यूमरेटर चाहिए, देखो ध्यान से इधर, न्यूमरेटर ये वाला सेकंड ऑप्शन, तो फिर बेटे मैं ये वाला वन चेंज करूँ। ये बात समझ में आ गई लॉजिकली आप सब बच्चों को या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा उससे फायदा क्या हो रहा है। तो इन दिस क्वेश्चन वी नीड डेनोमिनेटर, तो अगर डेनोमिनेटर चाहिए बेटे तो हम नीचे वाले वन को मेरे बच्चे चेंज करेंगे, बस ये सेकंड स्टेप लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चे भी आपका। इस वाले वन को बेटे चेंज कर दी, प्लीज ध्यान से देखो सब बच्चे हमारे पास क्या आ गया बेटे। अच्छा अगर कॉपी पेन है तो मेरे साथ लिखते रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप खुद समझते भी रहेंगे उस स्टेप को। बेटे देखो हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज है, उसे मुझे चेंज नहीं करना है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन, बेटे मेरे पास नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, बट वन को मेरे बच्चे मैंने चेंज कर दिया, और किस में चेंज किया बेटे, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सब बच्चे बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. ठीक है बेटे, अब ये जो हमारे पास पहला वाला टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, बेटे सर ये कैसे हुआ? बेटे ये जो वन है ना, ये जो वन है ना, इसको चेंज किया हमने, ये जो हमारे पास वन है बेटे, बाकी सारे टर्म्स हमने सेम रखे, हमने कोई चेंज नहीं किया, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका मेन फॉर्मूला है बेटे। बट सर डिनोमिनेटर में तो टेन और सेक पे कोई स्क्वायर नहीं है बेटे, हम तो वन को चेंज कर रहे हैं, हम स्क्वायर कहाँ ले रहे हैं, हम वन को sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? स्क्वायर का क्या यूज होगा वो अभी हम बताएंगे आपको, बस आप हमें ये बताओ क्या आप वन को बेटे sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो या नहीं? यस सर। ठीक है बेटे, वन को आप, हमारे पास वन तो है ना बेटे, स्क्वायर में नहीं है टर्म्स, बट नो मीन हमारे पास वन तो है, और वन को हम sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सब बच्चे बताओ भी समझ में आया, अब आपको समझ में आया? देखो बेटे आपके पास क्या है, न्यूमरेटर एज इट इज है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, हमने कोई चेंज नहीं किया बेटे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ये जो टर्म है बेटे हमारे पास, हमने इसको एज इट इज लिखा है बेटे, और फिर हमने टेन थीटा को भी बेटे एज इट इज लिखा है, और बेटे हमने सेक थीटा को भी एज इट इज लिखा है, सिर्फ हमने किसको चेंज किया है, वन को चेंज किया है। बताओ जल्दी से ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी अभी देखेंगे इसका फायदा क्या हो, अभी आप समझोगे अरे अच्छा ये ऐसे होना था। ठीक है, अब ये जो बेटे हमारे पास नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा है, अगर बेटे मैं इसको एक सेकंड, जी बेटे मर्जी आप कुछ पूछना है? नो सर नो। देखो बेटे अगर इस tan थीटा माइनस sec थीटा को बेटे मैं एक सिंगल ब्रैकेट कंसीडर कर लूं और वन को दूसरा वाला कर लूं, तो क्या ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है बेटे, इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? यस सर। हाँ बेटे, आप चाहो तो यहाँ स्टेप मिस कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो, अगर समझना है तो आप इसको लिख सकते हो। लिख कैसे सकते हो बेटे, देखो न्यूमरेटर को तो मैं अभी भी एज इट इज लिख रहा हूँ, ये फोर मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे, उससे कम में आएगा नहीं, तो दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा भी कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूमरेटर बेटे मैंने एज इट इज लिखा, और डेनोमिनेटर में बेटे फर्स्ट ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिखा tan थीटा माइनस sec थीटा, और प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को बेटे मैंने a प्लस b sec थीटा प्लस tan थीटा, बस क्वेश्चन खत्म इस स्टेप के बाद, एंड sec थीटा माइनस tan थीटा लिख रहा हूँ। सब बच्चे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस। हमने बेटे दो स्टेप करें इस क्वेश्चन में, फर्स्ट हमारे पास जो साइन कॉस की टर्म्स थी उसको कॉस थीटा से डिवाइड करके वी चेंज दैट इन sec एंड tan, ठीक है,
एंड सेकेंड हमने वन को चेंज किया है. वन को चेंज करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है सो दैट आप कुछ कॉमन ले सको. प्लीज मुझे बताओ नीचे कॉमन क्या है बेटे. सर tan थीटा माइनस sec थीटा. क्या दोनों में ब्रैकेट में साइन सेम है? यस सर. नहीं. नो सर. सर यहाँ पे tan थीटा माइनस sec है और वहाँ पे sec थीटा माइनस tan है. अच्छा हमें राइट साइड में tan माइनस sec चाहिए या sec माइनस tan चाहिए, कोई बताएगा मुझे? sec माइनस tan. वेरी गुड. sec माइनस tan चाहिए बेटे. तो अगर sec माइनस tan चाहिए तो हमें बेटे ये sec माइनस tan चाहिए. हम यहां से पहले वाले में से माइनस कॉमन लेंगे. क्या लेंगे? माइनस कॉमन. ठीक है, तो अगर चाहते आप तो ऊपर वाले टर्म्स में से ही माइनस कॉमन ले सकते थे. प्लीज देखो मैं ले रहा हूं यहीं से. इस tan थीटा माइनस sec थीटा में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो मेरा एक स्टेप बच जाएगा. तो ये बेटे tan माइनस sec नहीं रहेगा, फिर ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा. एक और क्वेश्चन करेंगे अभी तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आज इस क्लास से समझ में आ जाए तो बहुत है. जरा मुझे बताओ अगर मैंने tan थीटा माइनस sec थीटा से माइनस कॉमन लिया तो बेटे sec थीटा तो मेरा हो जाएगा प्लस में और tan थीटा हो जाएगा मेरा माइनस में. यस सर नो? यस सर. यस सर. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हमने कर दिया बेटे ए प्लस बी ए माइनस बी. क्वेश्चन इज ओवर नाउ. आप सिर्फ कॉमन ले लीजिए बेटे. तो आपके पास क्या है बेटे, ऊपर तो एज इट इज सेम रखिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन. नीचे बेटे आप ले रहे हो कॉमन. क्या कॉमन ले रहे हो बेटे? sec थीटा माइनस tan थीटा. क्वेश्चन खत्म है बेटे, बस ये स्टेप लिखा और खत्म. अब जरा मुझे बताओ मेरे पास नीचे क्या क्या बचेगा. जब बेटे आपने यहाँ इस ब्रैकेट से sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लिया है तो फिर यहाँ क्या बचा? वन. माइनस वन बेटे, माइनस वन, क्योंकि माइनस लगा ब्रैकेट से पहले. अच्छा फिर आपके पास बीच में है बेटे प्लस, और जो आपके पास ब्रैकेट बचा बेटे वो कौन सा ब्रैकेट बचा? ए प्लस बी वाला. ठीक है बेटे, sec थीटा प्लस tan थीटा. जरा चेक करो क्या ये ब्रैकेट ऊपर के ब्रैकेट जैसा है या नहीं है. यस सर है. बेटे हमारे पास यहाँ माइनस वन है तो यहाँ पे भी माइनस वन है, यहाँ बेटे प्लस sec है तो यहाँ पे भी प्लस sec है, और यहाँ प्लस tan है बेटे तो यहाँ पे भी प्लस tan है. तो you can cancel this. अब बताना बचा क्या सिर्फ हमारे पास बेटे? जी बेटे, टू स्टेप्स है बेटे, उन टू स्टेप्स के बाद तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन. समझ में आया क्या सब बच्चों को? है ना बेटे? दोबारा से देखो जरा मेरा बच्चा, प्लीज दोबारा से समझ. सर स्कूल में मैम ने इसे साइन से डिवाइड किया था, इसी क्वेश्चन को. इसको नहीं कर सकते बेटे साइन से डिवाइड, वो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट है, उसे साइन से डिवाइड करेंगे बेटे. अभी करेंगे बेटे उसको. जी बेटे, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन. ये हमारे पास था बेटे. हमने आपसे कहा कि भाई आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए था टेन और sec. टेन और sec दोनों में कॉस थीटा होता है तो दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया. cos थीटा के बाद हमारे पास टर्म आ गए tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन एंड tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन. फिर हमने आपसे कहा कि हमें डेनोमिनेटर चाहिए या न्यूमरेटर चाहिए,
तो उसके हिसाब से हम वन को चेंज करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आप फिर दोबारा से करो, ये हम कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, ये है ना हमारा क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, और इस बार हम ले रहे हैं बेटे एक्स्ट्रा, समझ लीजिए इसको, हम इस बार न्यूमरेटर को प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन तो क्योंकि सेम रहेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि अब हम प्रूफ करें sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है बेटे? अब जो ऊपर हमने किया है उसको थोड़ा सा 20-30-50% याद करिए और मेरे साथ इसको रिपीट करिए। हमारे पास क्या है अगेन बेटे, फिफ्थ वाला फिर आप ही करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास क्या है बेटे, हमें राइट साइड में sec और tan चाहिए, ठीक है? हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटे, तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा दिमाग से कसरत करिए और देखिए कि आपको समझ में आ रहा नहीं। ये बेटे हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन एंड हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, दैट इज माई लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्योंकि राइट में sec और tan चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, देखो प्लीज ध्यान से देख लो, यहीं पे देखो, हम इनको सबको cos थीटा से डिवाइड करेंगे टू ईच एंड एवरी टर्म, डिवाइडिंग बाय cos थीटा। सब बच्चे बताओ समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? पहला स्टेप, यस सर, फर्स्ट स्टेप इज जस्ट टू डिवाइड बाय cos। तो अगर आप डिवाइड बाय cos करोगे, मैं इस बार कर नहीं रहा हूं, सिर्फ लिखूंगा डिवाइडिंग बाय cos थीटा, तो बेटे sin by cos हो जाएगा मेरे बच्चे tan tan cos by cos 1 होगा वो हम लास्ट में लिखेंगे बेटे and 1 by cos बेटे sec होगा माइनस में sec थीटा, दैट इज हमारे पास क्या आएगा बेटे, हमारे पास आएगा tan थीटा plus sec थीटा tan थीटा plus sec थीटा माइनस 1 माइनस, ये हमारे पास आया। तो ये बेटे मैंने सिर्फ लिखा है डिवाइड, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, शो नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास ये आ गया कि अगर आप डिवाइड बाय कॉस करेंगे तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन एंड टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ये हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया बेटा, जस्ट यहाँ बेटे ये माइनस और ये प्लस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ये आ जाएगा साइन थीटा और प्लस में आपके पास आएगा तो tan theta plus sec theta minus 1 and tan theta minus sec theta plus 1, जी बस ये देखो, बस प्लस माइनस का था बाकी तो। अब बताइए मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए बेटे, sec theta plus tan theta, डेनोमिनेटर चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए बेटे। तो इस बार जो आप चेंज करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, वन को चेंज करना है। वन को किससे चेंज करोगे बेटे? टेन थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन, वन को बेटे आपने चेंज कर दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन
हमारे पास क्या है बेटे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। प्लस वन। अब बताओ बेटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के कितने फैक्टर्स होंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला स्टेप भी बेटे मैं स्किप कर रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपका क्वेश्चन छोटा, मतलब इसके दो फैक्टर होंगे बेटे, एक हो जाएगा बेटे sec थीटा प्लस tan थीटा एंड एक होगा बेटे sec थीटा माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है बेटे, अब जरा प्लीज देखो हमारे पास ऊपर क्या है, हमारे पास है tan थीटा प्लस sec थीटा और ये भी बेटे tan थीटा प्लस sec थीटा, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर हम ये कॉमन लेंगे बच्चे sec थीटा प्लस tan थीटा लिखे या tan थीटा प्लस, क्योंकि प्लस में है कैसे भी लिख लीजिए, तो अगर आप ये कॉमन लेंगे तो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में तो बचेगा वन। जरा ध्यान से देखें बच्चे, बीच में साइन किसका है आपके पास, प्लस का या माइनस का? माइनस। माइनस का। और ब्रैकेट आपका कौन सा वाला बचेगा बेटा? sec थीटा माइनस tan थीटा। तो क्या इस माइनस से साइन चेंज होगा बेटे अंदर वाले ब्रैकेट का? यस सर। शाबाश, तो आपके पास sec थीटा हो जाएगा बेटे माइनस में और tan थीटा हो जाएगा बेटे प्लस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटे, बस प्लस माइनस कॉमन क्या लेना है चाहिए क्या। अब जरा नीचे देखो बेटे, आंसर आ गया बेटे, बस चार ही स्टेप है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन। अभी एक और करेंगे तो फिर दोबारा से और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ऊपर क्या हुआ बेटे, वन प्लस में है, नीचे भी वन प्लस में है, sec बेटे माइनस में है तो नीचे भी sec माइनस में है, tan बेटे प्लस में है तो नीचे भी tan प्लस में है। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है बेटे? यस सर। कट आउट। क्या बचा बेटे? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया बेटे अब? यस सर। ठीक है, अब एक और करेंगे इसी का पार्ट तो और ज्यादा समझ में आएगा। देखो अब ये आपके साथ साथ मैं करूंगा, मतलब पहले आप करेंगे फिर मैं उसको साथ साथ करता रहूंगा, कहीं भी आप अटकेंगे तो मैं बताऊंगा। ये है बेटे क्वेश्चन नंबर फाइव का फिफ्थ पार्ट।